सब दिखाई दे, कैसे तक रहा है, कैसे दोनों बैठ कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए हैं पटना जू। देखिए यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आए हैं, तो देखिए चलते हैं हम लोग जू, पटना का जू आए हैं। और पहले सबसे पहले टिकट कटवाते हैं और मास्क लगाना सख्त जरूरी है, तो पहले काउंटर के पास चलते हैं। देखिए हम लोग फाइनली आ चुके हैं पटना जू, जो कि इसका पूरा नाम है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। और यहाँ पे देखिए जस्ट इसके जस्ट बाएं साइड देखिए एक चित्र भी बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये सब देखने को मिलेगा अंदर जानवर। तो चलिए पहले टिकट काउंटर पे चलते हैं। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ 4 नंबर टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है, वो भी 4 ठो लिया है। आप देख सकते हैं अभी भी वही रेट है इसका, 30 रुपया। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं, फिर अंदर मिलते हैं। ये मेन द्वारा यहाँ से चेकिंग होता है टिकट, और कोई अगर कोई चीज़ें हो तो उसको निकाल दिया जाता है, जो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग टिकट चेक करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो गार्ड साहब है टिकट चेक कर रहे हैं, और हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए अब अंदर का आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बैग का भी इंक्वायरी हो रहा है, यहाँ पे बैग भी चेक इन हो रहा है मेरा। तो गाइस फाइनली हम लोग टिकट चेक करवा के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और देखिए यहाँ से दाहिने साइड का कुछ नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कौन कौन सा जानवर उपलब्ध है, और चिड़ियाघर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है वो आप आगे देख सकते हैं। देखिए एंट्री गेट पे क्या लग चुका है, यहाँ पे वेलकम कितना अच्छा से बनाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपको मैप के द्वारा पूरा दर्शाया गया है कि जो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कितना दूर में फैला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नक्शे के द्वारा। तो गाइज़ आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको हर एक चीज़ बारीकी से दिखाते हैं, तो बस वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि आपको हर चीज़ इसमें देखने को मिले। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको गाड़ी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे आप बैठ के घूम सकते हैं, इसका कुछ अलग चार्ज लगता है आपको। तो गाइस पटना जू में आपको मुफ्त वाईफाई भी मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगाया गया है, उस पर बताया गया है कि आपको वाईफाई फ्री में मिलेगा। गाइस हम लोग अभी जिस साइड जा रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हर चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइस आपको चिंपैंजी दिख रहा होगा, इस बार एक बार जूम करके आपको दिखाते हैं, जो इसका अंदर घेरा बना है उसी में बैठा है लोग, जो कि क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो गाइस देखिए आपको चिंपैंजी दिखा रहे हैं कितना अच्छा से दिख रहा है, और ये जानवर में सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है चिंपैंजी को, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक सीढ़ी पर बैठा है और एक ऊपर की तरफ बैठा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी जानवर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए इस पे चिंपैंजी का कुछ चीज़ें बताया गया है, कुछ जानकारियाँ दिए गए हैं, इसे आप स्क्रीन शॉट के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको आगे भी और चीज़ दिखाते हैं। आपको गिद्ध हम दिखाते हैं, पहले उसके बारे में देख लीजिए, ये हिमालयन गिद्ध है, आप इसका स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए आपको गिद्ध गाइस यहाँ पे देखिए हिमालयन गिद्ध आपको दिखाई दे रहा है, कितना वो भी क्लियर में दिखाई दे रहा है, कैसे दोनों बैठे हैं एक साथ, आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा हिमालयन गिद्ध। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको पूरा चिड़ियाघर आज घुमाने वाले हैं, और आपको हर एक चीज़ जानवर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि आपको हर चीज़ हर जानवर आपको देखने को। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल शेर देख सकते हैं, और चलिए एक बार आपको रियल में शेर दिखा। गाइस देखिए यहाँ पे शेर के बारे में आप जानकारी पढ़ सकते हैं, और इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए एक बार आपको शेर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, आप देख रहे हैं शेर, और ये बहुत दुबला पतला हो चुका है, और देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए कैसे ये वॉक कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। गाइस चलिए आपको आगे चल के टाइगर दिखाते हैं। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा अलग अलग पैलेस का। तो चलिए आपको एक बार टाइगर दिखाते हैं। वहाँ पे टाइगर है क्या?
तो देखिए यहाँ पे आप बाघ के जानकारी कुछ पढ़ सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ देखिए कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे बाघ, और ये भी टहल रहा है। एक बार सामने आता तो आपको दिखाते हैं, तो वीडियो साथ बने रहिए। उधर से जस्ट ये लौटेगा, देखिए कैसे दिख रहा है आपको। एक बार इसको जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है। इसको एक बार जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको और भी बेहतर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए गाइस एक अंदर भी बाघ है, यहाँ पे दो ठो बाघ दिखने को मिल रहा है। देखिए आपको वाइट टाइगर दिख रहा है जो कि इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, पता नहीं क्यों। नहीं तो आपको ये पूरा अंदर से आपको दिखवाते कि हाँ कैसे दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग देख पाएँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है वाइट टाइगर। एक बार और करीब से आपको दिखाते हैं, देखिए जस्ट अभी आ रहा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है वाइट टाइगर। तो चलिए आगे भी और आपको कुछ दिखाते हैं। जानवर आपको यहाँ पे देसी भालू दिखाते हैं, इसका जानकारी आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आपको देसी भालू दिखाते हैं। गाइस ये देसी भालू है, आपको दिखाई दे रहा है जो कि जंगलों में पाया जाता है देसी भालू। यहाँ पे दो ठो भालू आपको दिखाई दे रहा है, और कितना अच्छा दिख रहा है देखिए आप। तो देखिए गाइस आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्लियर शॉट आपको दिखा रहे हैं भालू का, वो भी देसी भालू। और इसके जस्ट बगल में कि यहाँ पे बैठा है भालू, देखिए। तो चलिए आगे भी आपको और चीज़ दिखाते हैं। अब आपको शुतुरमुर्ग दिखाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कुछ उसके बारे में जानकारियाँ लिखा है, और आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा शुतुरमुर्ग है आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही करीब से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। और भी आपको दिखाते हैं शुतुरमुर्ग, यहाँ पे जस्ट देखिए इसके बगल में आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम कोशिश करें कि आपको उसको भी दिखाएं क्लियर। इसकी आंखें भी इंसान जैसी बड़े बड़ी आंखें हैं इसका, और देखिए इंसान से भी बड़ा आंख दिख रहा है इसका। देखिए एक बार इसको, ये शुतुरमुर्ग है और बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे भी एक शुतुरमुर्ग है, जो कि एक शुतुरमुर्ग कंकर पत्थर भी खा जाता है, और देखिए कितना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। देखिए गाइस आपको एमू दिखाते हैं, ये भी शुतुरमुर्ग का प्रजाति ही है, लेकिन ये अलग है उससे। तो चलिए आपको एक बार दिखाते हैं उसको, एमू को, जो शुतुरमुर्ग के जैसा होता है और लेकिन ये अलग होता है। देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत सारा यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिलहाल 10, 11, 12 यहाँ पे आपको एमू दिखाई देंगे। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है कितना सारा एमू है। ये भी शुतुरमुर्ग का प्रजाति ही है, देखिए ये कितना बड़ा बड़ा है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 5 फीट से बड़ा भी होता है, ज़्यादा भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल उतना बहुत सारे आपको एमू दिख रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एमू हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा। आगे भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कितना सारा है देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी जस्ट पास में भी है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना बड़ा बड़ा एमू है। देखिए यहाँ से एक बार आपको पास से दिखाते हैं इसको, यहाँ पे देखिए कैसे ताक रहा है ये, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए एक बार। चलिए अब आपको आगे भी कुछ और भी जानवर दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो गाइज अब आपको केसवारी दिखाएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये भी शुतुरमुर्ग के जैसा होता है, लेकिन उससे कुछ अलग होता है, दिखाई दे रहा होगा बहुत ही क्लियर से। लेकिन उसका जो मुड़ी होता है देखिए कुछ कलर टाइप का है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन शुतुरमुर्ग के जैसा ही होता है। देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे भी कुछ आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए लेडीज़ एमहर्स्ट फिजेंट आपको दिखाने वाले हैं, और इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप जाली लगा इसके वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठा है, और एक नीचे भी है आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए जस्ट एक बार क्लियर आपको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए आगे भी कुछ और भी चीज़ दिखाते हैं आपको, तो बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए गोल्डन फिजेंट है, आपको दिखाते हैं एक बार जूम करके। यहाँ पे कितना क्लियर दिखाई दे रहा है गोल्डन फिजेंट, देखिए कितना खूबसूरत है। एक बार और दिखाते हैं आपको, जस्ट आगे की तरफ आएगा, देखिए आप। गाइस आपको अब सिल्वर फिजेंट दिखा रहे हैं, जो कि वाइट कलर में है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एक बार अच्छा से आपको दिखाते हैं क्लियर,
देखिए गाइस कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरह का फिजेंट उपलब्ध है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे सिल्वर फिजेंट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, वही सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियर। चलिए और भी आपको जानवर दिखाते हैं और पक्षियाँ।